एक लैला नाम की सिंगर और शर्मा मॉडल भी होती है जिसके कोई खून कर देता है। संध्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर इस केस की तहकीकत कर रही होती है और उसकी हेल्प करने के लिए विनायक नाम के पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, लेकिन वो नहीं मानते। संध्या विनायक को एक फाइल देती है और कहती है फाइल में रखी तीसरी तस्वीर को जरूर देख लेना। विनायक का कार एक्सीडेंट हो जाता है, उस कार में उसकी बेटी भी होती है और उसकी बेटी को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है। उसके पास एक लॉकेट होता है और संध्या जो पढ़ देखी गई थी उसकी पैर में तीसरी तस्वीर में उस जैसा ही टैटू आत्मा गुदवाया हुआ होता है। विनायक इस केस में संध्या के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर उस मर्डर की पुख्ताहत करते हैं। पहले लैला का बॉयफ्रेंड और उसके मेट से बात करते हैं। लैला का बॉयफ्रेंड बताता है कि दोनों एक क्लब में मिले थे और दोनों ने मिलकर एक एल्बम बनाया और कुछ दिनों में दोनों करीब आ गए थे। मर्डर की रात को लैला और उसके बॉयफ्रेंड डिनर करने जाते हैं और वह उसके बॉयफ्रेंड लैला को प्रपोज करते हैं और उसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। सिक्योरिटी से पुख्ताहत करते हैं। सिक्योरिटी वाला संध्या को बताता है कि लैला के हाउस में से मैंने एक आवाज सुनी। संध्या और विनायक उस घर में देखने जाते। बहुत सारे लोगों को समझ कर वो एक आदमी तक पहुंचते हैं जहां उसको एक फोटोग्राफर के बारे में पता चलता है जिसका नाम अर्जुन वासुदेव और संध्या उसके पूरी जन्म कुंडली निकालती है। संध्या और विनायक अर्जुन से पूछताछ करते हैं। फिर वो लोग एक विनोद नाम के लड़के से पूछताछ करते हैं जो थोड़ा दिमाग से पैदल होता है। उससे पता चलता है कि लैला ने जो हाथ में टैटू लगवाया था उसे देखते उसका बॉयफ्रेंड सत्यश्यामी यामिनी बोल रहा होता है और कंप्यूटर के जरिए एक आदमी का पता लगाता है क्योंकि वो कंप्यूटर जीनियस होता है। संध्या उस आदमी के बारे में पता करने लगती है। उस आदमी का नाम होता है आदि और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। उस आदमी ने लैला को कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसे बॉन्डर बनने के लिए कहा था और एक दिन एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्शन करना होता है। तभी आदि लैला को बुलाते और उसके साथ ये करने को थे, लेकिन लैला मना कर देती। विनायक उसके दोस्त पुलिस वाले को बुलाता है और विनायक बॉम्बे चला जाता है और आदि से मिलता है और आदि से लैला के बारे में जानते हैं और वो कैसे मिले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो वापस आता है। विनायक की बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी बेटी मर जाती है। विनायक को पता चलता है कि आदि ने सुसाइड कर लिया। संध्या लैला के मैनेजर को अरेस्ट कर लेती है और विनायक के दोस्त को जेल में कुछ पता चलता है और विनायक को बुलाया जाता है। मैनेजर से पूछताछ करते हैं और उसके वकील आते हैं और उसको छोड़ा लेते हैं और एक के बाद एक ऐसे करके विनायक की एक नई थियरी बनाने बताता जाता है। कभी कहता है कि मैनेजर ने मारा, कभी कहता है कि आदि ने मारा, कभी कहता है अर्जुन ने मारा। इस तरह की कहानी आपको देखने को मिलेगी। और लैला का बॉयफ्रेंड सतीश से पूछताछ करते हैं और मैनेजर को कोई टपका देता है। रात में सतीश लैला के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। वह संध्या विनायक को बताती है। विनायक रात को लैला के घर जाता है और उसके घर जाकर वो बहुत थिंक करता है। उसे उसके घर से एक पेन ड्राइव मिलती है। वहाँ अर्जुन का मर्डर हो जाता है। लैला का मर्डर उस फोटोग्राफर ने किया होता है। विनायक को पता चलता है और वो उस फोटोग्राफर को बताता है मर्डर कैसे किया, कैसे प्लान किया। फिर वो फोटोग्राफर भी बताता है कि यामिनी की मौत उसने की थी क्योंकि वो उसकी बहन थी। फोटोग्राफर उसकी शानक की वजह से वो लैला को मार देते हैं। इसे विनायक को बताते हैं। पुलिस वाले झूठे सबूत दिखाकर अर्जुन पर इल्जाम लगाकर उसे केस के सभी आरोप उस पर लगा केस क्लोज कर देते हैं। वो संध्या उस पुलिस वाले को बताते हैं, लेकिन उसका प्रमोशन की वजह से वो स्टेटमेंट बदलने को नहीं मानते। और विनोद उस फोटोग्राफर को कॉल करके बताता है कि लैला को तू नहीं मारा है और उसके मिलने को बोला। विनोद पहले उस फोटोग्राफर को गोली मारकर मार देते हैं, फिर खुद गोली मारकर मार देते हैं। पर आप मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।